चंद्रिका राजदीप है। अभी मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क में एडहॉक लेक्चरर हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ राहुल जी से मिलने के लिए। मुझे उनसे मन की बात नहीं, मुझे उनसे पेट की बात करनी है, क्योंकि पेट खाली होगा तो मन कभी साथ नहीं देगा। शिक्षण के जो हालात है वो ऐसे बदतर हो चुके हैं कि हम हमारे विद्यार्थियों को बोल नहीं सकते कि आप हायर एजुकेशन फील्ड में आओ और अपना कैरियर बनाओ। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जॉब के साथ सोशल सिक्योरिटी मिले एजुकेशन फील्ड में। पूरे हर 24 घंटे हिंदुस्तान में 30,000 नए युवा रोजगार ढूंढने निकलते हैं। आपको मालूम है उन 30,000 में से कितने लोगों को जॉब मिलती है? कोई कह सकता है? 450। मैं बोल रहा हूं 30,000 में से 450 को जॉब मिलती है। अब आप हमारा कॉम्पिटिटर चाइना है, उनसे थोड़ी कंपैरिजन कीजिए। चाइना में हर रोज 50,000 युवाओं को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान में 450 और चाइना में 50,000। ये जो आप फोन पकड़े हैं इसके पीछे मेड इन चाइना लिखा है, ये दिख रहा है मुझे। आपको सेल्फी लेने में बड़े मजे आ रहे हैं, सुनो, आपको सेल्फी लेने में बड़े मजे आ रहे हैं, मगर उस फोन ने चाइनीज युवा को जॉब दिया है, हिंदुस्तानी युवा को जॉब नहीं दिया है। मुझे लग रहा है युवाओं के माध्यम से, युवाओं को जो आज उन्होंने संबोधित किया है वो बहुत आगे तक जाएगा, और मैं काफ़ी आशावादी हूँ कि राहुल जी इस मुद्दे को आगे लेके जाएंगे। मैं उनमें डेफिनेटली फ्यूचर पीएम देख रहा हूँ अभी से, और मुझे हर महीने अभी मन की बात सुननी नहीं पड़ेगी, जनवरी से मैं अपने पेट की बात कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा।